बरेली के बहेड़ी में एंटी करप्शन टीम ने बुधवार शाम विद्युत वितरण विभाग के स्थानीय उपखंड में तैनात जेई राजेश कुमार को एक टोल मालिक से 5,000 की रिश्वत लेते दबोच लिया। जेई ने नया ट्रांसफॉर्मर रखवाने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी। टीम ने काफी देर तक जेई को थाने में बैठाकर पूछताछ की, उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंडिया गली निवासी मोबिन उर्फ जकी की लकड़ी की ताल है। उन्होंने यहाँ के ट्रांसफार्मर के फुक जाने पर नया लगवाने को जेई राजेश कुमार से बात की। आरोप है कि इस पर जेई ने 10,000 रुपए की मांग की, उसके बाद मोबिल ने एसडीओ के जरिए ट्रांसफार्मर लगवा लिया। संयोग से कुछ दिन पहले उनके घर के पास का ट्रांसफार्मर फूक गया। टोल मालिक ने जेई से बात की तो जेई ने पिछले 10,000 रुपए देने को कहा। इससे नाराज होकर टोल मालिक ने पोर्टल पर एंटी करप्शन विभाग से शिकायत की। लखनऊ की टीम ने बरेली एंटी करप्शन के एसपी को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने टोल मालिक से संपर्क कर जेई को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। योजना के तहत टोल मालिक 5,000 रुपए लेकर जेई के पास पहुंचे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।